नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जब सच को सबूत नहीं मिलता तो कभी कभी झूठ की गवाही को भी सच मान लिया जाता है और सच को जीतने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। झूठ का सहारा लेकर भले ही एक पड़ाव जीत लिया जाए, लेकिन सच सिर्फ एक पड़ाव नहीं जीतता, जब वो जीतता है तो रास्ते भी बदल जाते हैं और मकाम भी। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में हमारा आज का ये केस एक ऐसी ही लड़ाई से जुड़ा है और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट और जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल जोशी। आज के एपिसोड में मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी अनदेखी कहानी जो मुझे लगता है कि आप सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शहर, एक शहर, तेजी से होते विकास, चौड़ी सड़कों और ईंट पत्थरों से बने ऊंचे ऊंचे मकानों से तो बनता ही है, लेकिन साथ में बनता है उस शहर में रहने वाले लोगों के सपनों से भी। और सपने देखने और उसे पूरा करने का अधिकार मर्दों और औरतों को बराबरी का है, लेकिन शहर के विकास की रफ्तार के सामने इंसान की नैतिकता के विकास की रफ्तार कई बार धीमी पड़ जाती है और ये तब पता चलता है जब कोई जुर्म हो चुका होता है। आज की कहानी शहरी वातावरण में पली बढ़ी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने मेल काउंटर पार्ट की तरह सपने भी देखे और उन्हें पूरे भी किए, लेकिन किसी और की अनैतिकता ने उसे चकनाचूर कर दिया। जुर्म की आज की इस कहानी ने इस औरत की पहचान ही बदल दी। जिंदगी में इम्तिहानों का दौर कभी नहीं थमता, लेकिन यह इम्तिहान अजीब था। उसकी तकलीफ ने आज मुझे बेचैन कर दिया था। आखिर क्यों मेरी आंख भर आई, उस पर तो यकीन करना भी मुश्किल था। क्या यह भी कोई खेल था जो एक पुलिस वाले के दिलो दिमाग पर हावी हो गया? मैं ये क्या देख रहा था? वो मंजर झूठा था या सच मुझे धुंधला नजर आ रहा था? सर, आप इस वक्त यहां क्या हुआ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। ऐसा महसूस होता है कहीं कोई रोशनदान नहीं है जहां से चैन की सांस ले पाऊं। समझ गया सर, आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर, वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। गुड इवनिंग इंडिया, आप सुन रहे हैं मुट्ठी भर शाम आपकी सुजैन के साथ। एक मुट्ठी में भर जाए है इतना साइज उसका, 400 ग्राम खून भर जाए है इतना वॉल्यूम उसका। वो एक पंप जैसा कभी खींचता है तो कभी सींचता, हमारी रगों में उसका रिसाव बहता है। वो दस्तक है जिंदगी की, हर पल धक 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 धक। जी हाँ, ये है हमारा दिल। तो आज बात करेंगे हम हमारे दिल की, और दिल के बारे में सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। तो फटाफट अपने अपने दिल की बात कह दीजिए 5-6-7-6 पर। मैं पढ़ूंगी आपकी कलम अपनी जुबान पर। फिलहाल सुनते हैं माई फेवरेट सॉन्ग ऑन योर फेवरेट चैनल 84.6 FM। ओह माय गॉड, सिर्फ एक मिनट में 7 लाख से भी ज्यादा मैसेज। यू आर रॉकिंग। अनुलिपा, नेक्स्ट स्लॉट तुम्हारा है। एक काम करो, अपने शो को 5 मिनट डिले करो। सिर्फ 5 मिनट ही क्यों, मेरा पूरा स्लॉट दे दीजिए। ओह कम ऑन अनु, डोंट बी सार्केस्टिक। लुक, आज सुजैन के शो को इंपॉर्टेंस मिल रही है, कल को तुम्हारा अपना शो हिट हो सकता है। यू कैन बी सो पॉपुलर। यूं समझो कि ये एक्स्ट्रा 5 मिनट तुम्हें प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि रेटिंग्स के मामले में सुजैन को भी पीछे छोड़ दो। या आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 140 करोड़ इंडियंस के दिल एक साथ धड़क रहे, थक 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 थक, बीप 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 बीप, इतने ज्यादा मैसेजेस जो भेज। ओह गॉड, इसी टाइम में बिजली जाती है।
छोड़ो ना ये बात, ये रेडियो वीडियो को छोड़ो, एक काम करते हैं हम लोग है ना, आज मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। यस, चलो 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 चलो। तुम्हारा तो पैकेज भी अच्छा है और यहाँ रोज रोज ओवरटाइम करने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिलता। सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दूसरा लेडी ज्वाइन कर लूंगा। नो, तो जोड़ी तोड़ने की बात मत कर। अच्छा मैं तेरे इंसेंटिव की बात करती हूँ विश्वास। थैंक यू। ले देवदास, आ गई तेरी मंजिल। चल बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। इबा भी बहुत वेट कर लिया, चलो वापस चलते। चलो पापा, पहले आप अब मम्मा को कॉल लगा के तो पूछो कि वो किधर है। हाय। ये क्या है सुजन, ये कितना वेट करवाया तुमने? किसी और के टाइम की वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? पिछले एक साल में मैं पहली बार लेट आई हूँ, तुम भूल गए कि तुमने कितना वेट कराया था? रिवेंज ले रही हूँ, पहले मेरी बेटी को छीन लिया और अब। डेविड, हमने डिसाइड किया था कि मीवा के सामने सब नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये। क्यों बात मत करो? जब तू मोंटी के साथ भाग गई थी तब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तेरे पति के पास तेरी डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं है इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। पापा, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। और अगर इतना ही बोझ बन रही हो ना आप पे, तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। लीली, ऐसे मत बोल बेटा। और स्टीवन, तुम कुछ भी बोल देते हो, इसकी हालत देखी है तुमने? अरे गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ग्रैंडमा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लीली आंटू। तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल दिखा रहा हूँ। आजा आजा। What happened, mom? Nothing, बेटा, वही रोज की खिचखिच, पापा की तुम्हारी लिली से आर्ग्यूमेंट। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुजन, मैं पापा पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आई नीड योर हेल्प। या एनीथिंग फॉर यू। मोंटी ने एक फ्लैट देखा है लेकिन उसका बजट थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, तुम 10 लाख अरेंज कर सकती हो, वो तुम्हें वापस दे देगा। देखो लीली, तुम तो मोंटी के साथ सेटल होना चाहते हो, पर क्या मोंटी वाकई तुम्हारी परवाह करता है? What do you mean by that? You know, मैंने अभी मोंटी को एक लड़की के साथ पब में जाते हुए देखा। सुजैन, तुम्हें पैसे नहीं देने तो वो बात अलग है, लेकिन मोंटी के बारे में ये सब मत बोलो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। लीली माय बेबी, प्लीज देखो, तुम थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है लेकिन तुम हो कहाँ? मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था मीटिंग के लिए, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके मोंटी, ग्रेट जॉब, तुम्हारा शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर हफ्ते आरएम के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एंड गाइस, आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक। सुजैन को एक और नए शो के लिए बहुत जल्द मैं एक नया स्लॉट देने वाला हूँ। तो देवदास बन के क्यों बैठा? चलना, हमारे शो की सक्सेस पार्टी है। हमारे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं शो का पार्ट भी। अरे अपनी शक्ल देख यार। अच्छा स्ट्रेस मत ले, मैं मजाक कर रहा था सच में। तुझे क्रेडिट चाहिए ना, तू रुक। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मिस्टर बिस्वजीत, यू विल पे फॉर इट। सॉरी मम्मा, आप कब तक आओगे? ईवा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन आप कब आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा मेरा बच्चा। But you finish your homework, okay? Okay.
3 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई। ये सुजन बिना लिली से कम नहीं है, अपना फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गई। स्टीफन, तुम जरा जाके बाहर चेक करो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी रात में कहाँ जाऊं? अरे सुजन, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? सुजन, संभाल के बेटा, बैठ, संभाल के। सुजन, तूने पी रखी है? क्या हुआ बेटा? एक्सीडेंट हुआ क्या? मम्मा, सुजन। सुनो स्टीफन, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ, नो नो मोर, आई एम फाइन, फर्स्ट एड प्लीज। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ग्रैंडपा, मम्मा, ये घाव एक्सीडेंट के नहीं है सुजैन। हुआ क्या है तुम्हारे साथ? I'm fine, Lily. Just let me sleep. सुजैन, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हो गया? बोल। बेटा सच बता, कल तेरे साथ क्या हुआ था? मोमो, एक्सीडेंट हुआ था। विश्वजीत, एक मुट्ठी शाम के शो की आज बैंड बजने वाली है। 3 घंटे के बाद शो है और सुजैन अपना फोन भी नहीं पिक कर रही है। टुडेज टाइटल, कुछ सोचा है? एक मुट्ठी शाम करनी पड़ेगी किसी और के नाम। एक मुट्ठी शाम हो सकती है अनुलिपा के भी नाम? नो अनु, इस स्लॉट के तुरंत बाद तुम्हारा अपना स्लॉट है। We can't take chance. आई थिंक इस वक्त मोहक इज द राइट चॉइस। आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था। What happened, मम्मा? Nothing, बेटा। पिछले 5 दिन से तू बोल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज अचानक तू? आई डोंट नो पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ बस क्या कोई सपना बपना तो नहीं देख लिया तूने? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पापा, और अब आप, मैं पुलिस के पास। बस, कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, समझ रही है ना तू? 5 दिन से तो घुट रही हूं। आई कांट डू दिस एनीमोर, मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। पांच दिन पहले आपका गैंगरेप हुआ, लेकिन आप आ जाइए। सर, मुझे तो लगा था कि मैं शायद यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज मैंने किसी तरह ये हिम्मत दिखाई। अरे, अरे, जाने दो मुझे, जाने दो। एक मिनट सर। यस सर। सर, ये मेरी बेटी है। बैठिए प्लीज। सर, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को, चल यहाँ। सर 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 सर, आपको शायद पता नहीं है, आपकी बेटी कह रही है कि उसका गैंगरेप हुआ। सर, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी, चलिए आ सर। मुझे कंप्लेंट लिखानी है पापा। सर, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन वो शायद 4 आदमी थे।
और ये कहाँ हुआ? कार में। तो आप उस कार में कैसे पहुंची? उन लोगों ने आपको किडनैप किया था? मुझे ठीक से याद नहीं, उस रात मैं होश में नहीं थी, I was drunk. लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे परवानास में मिला था। परवानास? आलन रोड पे एक पब है, उस रात मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहीं गई थी। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी और ड्रिंक की और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तो उस हादसे के बाद अब अपने घर कैसे पहुंची? सर, जब मुझे होश आया तो मैं बीच रास्ते में थी, फिर वहां से मैंने किसी तरह एक ऑटो लिया और घर पहुंची। देखिए, आपने आने में बहुत देर कर दी, आपका रेप 5 दिन पहले हुआ, अगर आप उसी दिन आती तो हमारे पास रेपिस्ट का डीएनए हो। अभी आपको कुछ याद भी नहीं, ना उनके चेहरे याद है, ना नाम याद है, यहाँ तक कि आपको गाड़ी भी नहीं पता, कौन सी गाड़ी थी, रंग क्या था, मॉडल क्या था, कुछ भी याद नहीं आपको। तो सर, क्या आप मेरी FIR नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपका मेडिकल करवाना होगा। ब्रेकफास्ट? आज फिर पूरी सब्जी। अरे, आपको कितनी बार कहा है मुझे पूरी सब्जी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कल मंडे था इसलिए सब्जी मंडी बंद थी। अरे तो उससे पहले ले आते ना, मुझे नहीं खाना ये, मैं अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। फोन कहाँ है मेरा? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कितनी बार बोला मैंने, कितनी बार बोला है मेरा फोन? बच्चा है, मार क्यों रही है उसे? हरकतें देखी आपने इसकी? और आप तो ऐसे बात करें जैसे इसको कभी डांटा ही नहीं हो आपने। तुम्हारी सिस्टर का गैंगरेप कब हुआ ये? जब वो परवानास गई थी। परवानास? हाँ भाई, पब जहाँ सुजैन ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था। क्या बोल रही हो ये? देखो, तब तो मैंने दी की बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो। ये सच नहीं है, मैं अपनी क्लाइंट से मिलने गया था उस दिन, उनको गलतफहमी हुई है। सर, सुजैन की बॉडी पर कुछ इंजरी मार्क्स हैं, उसको असॉल्ट किया गया है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी है, पर ये कह पाना मुश्किल है कि उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ। सुजैन फर्नांडिस की मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस के मन में डाउट क्रिएट कर रही है, उसे सपोर्ट कर रही है सुजैन के फादर की स्टेटमेंट। सर, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सुजैन का मेडिकल उसके रेप के 5 दिन के बाद हुआ, तो मुमकिन है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप के साइन ना हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सुजैन जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत ने अपने एलिज्ड रेप की रिपोर्ट लिखाने में 5 दिन का समय क्यों लगाया? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना कीमती वक्त जाया कर रही थी? उन 5 दिनों में उसके मन में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था? या इन 5 दिनों में कोई ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था? ये सारे सवाल सुजैन के रेप के दावों को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर मामला दर्ज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थोड़े अटपटे तरीके से। इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए था उस पब से जहां पर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन पुलिस पहुंची सुजैन के रेडियो स्टेशन पर। What? सुजैन का गैंग रेप हुआ? लेकिन सर, हमें तो बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात परवाना पब में आप सुजैन के साथ ही थी? हाँ सर, लेकिन वहां पे मोहक भी आने वाला था पर वो आया नहीं। एक्चुअली सर, उस शाम ऑफिस में ही सक्सेस पार्टी थी और मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी सर, तो मैं पब जाने की जगह सीधा घर ही चला गया। तो परवाना पब से आप और सुजैन एक साथ निकली थी? नहीं सर, मैं तो पहले निकल गई थी और सुजैन ने अपने लिए कैब बुक की थी। तू जा, मैंने कैब बुक की, तेरा फोन है, मैंने कैब बुक की है।
सुजैन के मुताबिक उसके साथ कार में गैंगरेप हुआ था। हो सकता है वही कैब। पता करो सुजैन ने कौन सी कैब बुक की थी। पापा में बात सर, वो मुझे आपको कुछ और भी बताना था यार। मेरे जैसे पेरेंट्स भगवान किसी को ना दे, इसे कहते हैं बैड लक। जोन वजह आ देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से कह के तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो उल्टा वो मुझे और मारेंगे। तू मेरी हेल्प करना चाहती है ना, तो एक काम कर, अपने पापा का फोन लाकर मुझे दे दे। मुझे स्नाइपर जी गेम खेलना है। तुम्हारे गेम के लिए मैं पापा का फोन नहीं ला सकती। तो तू दिखावा कर रही थी मेरे बेस्ट फ्रेंड होने का। अरे आदित्य, सर यहाँ हर रोज ना जाने कितने लोग आते हैं, और मैं कैसे बता सकता हूँ ये 6 दिन पहले यहाँ आई थी या नहीं आई थी। ठीक है, हम यहाँ के 6 दिन पहले की सारी CCTV फुटेज देखेंगे। लेकिन सर हार्ड ड्राइव के कम स्पेस की वजह से हम 5 दिन से ज़्यादा फुटेज स्टोर नहीं कर सकते, और वैसे भी 5 दिन के बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो जाती है। हाँ सर, मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की थी। तो ये सब आपके साथ उस कैब में हुआ? I don't remember, sir. अच्छा, हमें अनुलिपा ने बताया कि उस शाम आपके और आपके बॉस विश्वजीत के बीच में कुछ। तुम और की टेंशन मत लो सुजैन। सी, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। अब हम तुम्हारे नए स्लॉट के कॉन्सेप्ट की बात करें। ओशो, ये स्क्रिप्ट है, जरा पढ़ के बताओ। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। उन्होंने अपने तकिए से यार, व्हाट इज दिस, मुझसे नहीं होगा। आई विल शो यू। तकिया तो सिरहाना है, सिहरन तो कहीं और हो रही है। अपनी उंगलियों से जरा पूछिए, मुट्ठी भर रूह किसके लिए तड़प रही है, भटक रही है। विश्वा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मेरे साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ है, जो मुझे ठीक से याद है। तो आपके साथ जो हुआ, आपको नहीं लगता कि उसमें शायद आपके बॉस विश्वजीत का हाथ हो सकता है? रॉयल होमियो, मम्मी ने मुझे आज फोन के लिए बहुत मारा। टेंशन मत लो, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तुम मेरे यहाँ के खेल लो, ठीक है? सर, मैंने पता किया, उस रात वो कैब ये आदमी चला रहा था, सरफराज नाम है इसका। सरफराज? मानता हूँ साहब, उस रात सुजैन मैडम मेरे कैब में बैठी थी, लेकिन सच में साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब, कैब की बुकिंग पब से लेकर उसके घर तक की थी, लेकिन तूने और तेरे दोस्तों ने उसको गाड़ी। नहीं साहब, नहीं नहीं, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मुझे तो मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। क्यों उतारना पड़ा था? तभी मैं पेट्रोल डालना भूल गया था गाड़ी में, तभी मेरी नजर फ्यूल टैंक पे पड़ी साहब। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैडम नशे में थी, सोई हुई। अगर मैं दूसरा रूट चेंज कर लेता तो सही नहीं होता ना, इसलिए फिर मुझे मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। सॉरी मैडम। ये ऐसा नहीं मानेगा, तोड़ो इसको। नहीं साथ साथ, मैंने कुछ भी नहीं किया। थैंक्स आदित्य, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। अरे उस दिन मूड ऑफ था मेरा, लेकिन अब मैं रोज गेम खेल सकता हूँ, फोन भी अरेंज हो गया। कहाँ से अरेंज हो गया? अरे तुझे बता के क्या फायदा। ठीक है मत बता, पर मैं तुझे एक सरप्राइज ट्रीट देने का सोच रही थी। कैसे सरप्राइज ट्रीट? उसके लिए तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा ना। तो चल। क्या मेरे इशारे पर सुजैन का रेप हुआ? किसने कहा आपसे? किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने तो हमें यह भी नहीं कहा कि आप उसे मोलेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने पता लगा लिया। सर, मैंने कभी भी उसको मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इंटेंशन उसके खराब थे। तुम वो की टेंशन मत लो सुजैन, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। या एनीवे, मुझे मेरे एक न्यू कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन देना है तुम्हें। न्यू कॉन्सेप्ट? या एक लेट नाइट शो। आई गिव यू अ डेमो। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। उन्होंने अपने तकिए से मतलब ये तो सिरहाना है,
सीहर कहीं और है, अपनी उंगलियों से पूछो ये 21 ग्राम रूम किसके लिए तड़प रही है, किसके लिए भटक रही है। स्टॉप इट सुजैन, क्या है ये सब? सर मैंने उसको रोक दिया तो उसने सीन क्रिएट कर दिया। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप बताना भूल रहे? अगर है तो अभी बताती, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सर आई एम श्योर मैं कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ, बल्कि भूलने की बीमारी तो सुजैन को है। किसको भूलने की बीमारी? सुजैन को सर। देखिए जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। सर उसको लोगों के नाम तक तो याद नहीं रहते, हाथ से क्या याद रखेगी? आपको यकीन नहीं हो रहा ना सर, सच्चाई क्या है आपको मेरा स्टाफ बताएगा। बता रहे चल बोल, गार्ड रोक किया था उसे। साहब उस रात मैडम को मैंने यहीं उतारा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब। या तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है, क्या पता तू झूठ बोल रहा है? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ज्योति अनु उमेश सर को बताओ सुजैन कैसे सबके नाम भूल जाया करती थी। कम ऑन अनु, गो अहेड। हाँ सर, जब मैं यहाँ न्यू आई थी तो सुजैन मेरा नाम भी भूल जाती थी। सुजैन बिस्वा का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर हम इस पर कुछ डेवलप करें तो। यार इस आइडिया में ना कोई स्कोप नहीं है वीनू। वीनू? वीनू नहीं सुजैन, मेरा नाम अनुलिपा है। सर आप खुद ही देखिए, पहले उसने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था राइट, अब वो कह रही है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। सर मैं नहीं जानता वो सच में कुछ भूल रही है या जानबूझ के झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लुक एट दिस, ऐसे मार्क्स मेरी पूरी बॉडी पे हैं। कहाँ जा रहे हो? बस एक मिनट में आता हूँ। हेलो, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, मैंने तुम्हें सुजैन की पोजीशन दी और तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को। मैंने पुलिस को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वैसे भी सर उस शाम तो मैं ऑफिस से पहले ही चला गया था। तो फिर कौन है वो जिसने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की? अनुलिपा ने पहले हमें खुद बताया कि विश्वजीत सुजैन को मोलेस्ट कर रहा, लेकिन बाद में यही अनुलिपा विश्वजीत की हाँ में हाँ मिला रही, और सर इधर सरफराज का भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सुजैन का सच भी पुख्ता नजर नहीं आ रहा। उसके बारे में एक नई बात पता चली। क्या सर? उसके कलीग्स ने बताया कि सुजैन को भूलने की आदत है। इज इट पॉसिबल कि कोई अपना ही गैंगरेप भूल जाए? एग्जैक्टली, कोई भी लड़की ये क्यों बोलेगी कि उसका गैंगरेप हुआ है? और अगर गैंगरेप हुआ है तो उस लड़की का बाप ये क्यों बोलेगा? सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर इस केस की हकीकत क्या है? उतार कपड़े जल्दी। By the way, I'm Dev. अर्प को भी अपना दोस्त बना ले। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था ना बेटा उसी वक्त तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। चलो चलते हैं ना बेटा। Fine, mom. Fine. ये सब शरीर का दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन जो दर्द मेरी रूह को लगा है ना, I just can't take it anymore. ये दर्द तब तक शांति होगा जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते। सर एक अपडेट है सर, मैं सुजैन से कनेक्टेड हर आदमी से मिल रहा था, इसी दौरान मेरी मुलाकात उसके डॉक्टर से हुई। क्या सुजैन को बाइपोलर डिसऑर्डर है? बाइपोलर डिसऑर्डर? जी सर, ये तो एक जहनी बीमारी है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान कभी कभी खुद पे आपा खो देता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा केस उसी बाइपोलर डिसऑर्डर का नतीजा है? सुजैन के एक्स हस्बैंड डेविड से मिलते हैं, वो सुजैन के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहा है, देखते हैं वो इस पर क्या रोशनी डालता है। ओके सर। काव्या आदित्य तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं अंकल, आदित्य मेरे साथ नहीं है। लेकिन काव्या आदित्य ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला था। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है बेटा। सर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से खुद को हर्ट करना, अपने दर्द को सहन करना सुजैन की आदत सी बन गई थी सर। इनफैक्ट जब भी हमारा झगड़ा होता तो अपने वृष्ट तक काट लेती थी वो सर, यहां तक कि
अब रुक क्यों गए? जो भी बात है कही सर। वो डेविड, हर्ट मी, कम ऑन, हर्ट मी। तो सुजैन के फादर की तरह आपको भी लगता है कि सुजैन का गैंग रेप नहीं हुआ? सर मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा। सर सुमेश, आदित्य का कुछ पता चला? जब मारती थी उसे तब फिक्र नहीं थी उसकी, तुमसे परेशान होकर कहीं भाग गया है वो। तो मैंने बहुत सोचा, तो मुझे याद आया कि वो आदमी जो मुझे पब में मिला था उसका नाम देव है। By the way, I'm Dave. आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। वैसे यहाँ मैं अकेला हूँ। Would you like to join me? आप उस देव से पब में फर्स्ट टाइम मिली थी? Yes, sir. उसके बाद आपने कैब बुक की? Yes. तो आप देव की कार में कैसे पहुंचे? सर ये तो मुझे भी नहीं पता। आप आइए हमारे साथ। जगह कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि उसने आपको यहाँ ड्रॉप किया। हाँ सर, उस रात में यही थी, फिर यहाँ एक कार आई थी। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। मुझे यही से उस देव ने लिफ्ट दिया था। तीन लड़के उसी देव के दोस्त थे, चंदू, चुन्नी और पार्थो। अगर नाम याद आए हैं तो चेहरे भी याद आए होंगे। कैसे दिखते थे? सुजैन, वो चारों रियल में थे ना? सर आप मुझ पे डाउट कर रहे हैं। देखिए डाउट तो आपके अपने कर रहे हैं, हम तो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको? वो यहाँ के बाद आपको कहाँ लेकर गए? जहाँ से वो कार गई थी वहाँ मैंने एक बस स्टॉप देखा था। सुजैन, आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? उन्होंने मुझे कार से फेंका था और वहाँ मेरा सर एक पत्थर से टकराया था। वो जगह कौन सी थी? वहाँ बहुत सारे आयरन पिलर्स थे, आयरन पिलर्स थे वहाँ बहुत सारे। आयरन पिलर? हाँ सर, वहीं से मैंने एक ऑटो ली थी। वो ऑटो वाला तो अभी तक नहीं मिला। लेकिन वो कार कैसी थी? उस कैब का रंग, मॉडल, नंबर कुछ भी याद है तो प्लीज हमें बताइए। सर शायद वो सिल्वर कलर की कार थी। हमें उस जगह का पता लगाना है जहाँ पर सुजैन को कार से फेंका गया था। उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, देखते हैं जगह याद आती है नहीं आती। हाँ सनी, उस रात पर मैं देव, चुन्नी, चंदू या पार्थो नाम के किसी भी आदमी का कार स्वाइप नहीं हुआ था। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है इन चारों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। और टम टाटा निकलवाओ। ओके सर। सुजैन आप हर जगह को ध्यान से देखिए और अगर कुछ भी याद आता है तो तुरंत हमें बताइए। सर जब वो लोग कार में मेरे साथ, तब मैंने यही बस स्टॉप देखी थी। तो फिर वो जगह भी आसपास ही होनी चाहिए जहाँ पर उन लोगों ने आपको फेंका। हाँ सर।
किसी पत्थर से सटक रहा था। पुलिस अब वाकई सुजैन पर भरोसा कर रही थी या फिर ये भी उन्हें कोई प्री प्लान षड्यंत्र लग रहा था। सुजैन की बातों, उसके हाव भाव में ऐसा बहुत कुछ था जो उसकी सच्चाई के गवाह की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस सच को पुख्ता मानने के लिए अभी पक्के सबूतों की जरूरत थी। जो पत्थर सुजैन ने पुलिस को दिखाया था, उस पत्थर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। उस पत्थर पर मिले ब्लड के ट्रेसेस सुजैन के ब्लड से मिल रहे थे, लेकिन अब भी पुलिस डाउट में काम कर रही है, क्योंकि जो चार नाम सुजैन ने पुलिस को दिए हैं, उनके होने ना होने पर रहस्य अब भी बरकरार है। उनके बारे में ना क्रिमिनल डेटा में कुछ है और ना ही डम डेटा में। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का रूट सिर्फ और सिर्फ उन चार नामों में उलझ कर रह गया, चुन्नी, चंदू, देव और पार्थो। इन चारों नामों के कई लोगों की लिस्टिंग की मैंने, सबको चेक किया, सबका बैकग्राउंड क्लीन है सर। सोशल मीडिया पे भी इन चारों नामों के कई अलग अलग प्रोफाइल्स बने हुए हैं, लेकिन इन चारों नामों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। और सवाल ये है कि कोई भी मुजरिम या रेपिस्ट विक्टिम को अपना असली नाम बताए, तब तो सर हमारी अब तक की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम भी असली नहीं है। अब ये असली नाम हो या नकली, ढूंढना कहाँ है। झूठा साबित करना चाहते, मेरा गैंग रेप हुआ है सर, ट्रस्ट मी। सर, आप इस वक्त यहाँ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। आप शायद इस बात से परेशान है कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। मुझे हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अब मेरी सच्चाई पे भी शक किया जा रहा है। गलत मेरे साथ हुआ, मैं गलत नहीं। और जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों अपना चेहरा छिपाऊं? अब मेरा असली नाम पब्लिक कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुजैन हूं, सुजैन फर्नांडिस। एक महीने पहले आदित्य नाम के एक बच्चे का मर्डर हुआ था, उस मर्डर में सिल्वर कार का यूज हुआ था, और सुजैन ने भी हमें यही बताया कि रेपिस्ट ने उसको सिल्वर कलर की कार में ही किडनैप किया था। और सर उस बच्चे की डेड बॉडी जहाँ डंप की गई थी वो उस जगह से थोड़ी ही दूर पर है जहाँ सुजैन को फेंका गया था। रेपिस्ट तो दूर, अभी तक हम वो सिल्वर कार भी नहीं ढूंढ पाए। सर उस दिन आदित्य ने बताया था कि वो अपनी फ्रेंड काव्या के साथ खेलने गया था। पहले तो काव्या ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि कुछ लड़के आदित्य को कार में डाल कर ले गए थे। काव्या, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़के कौन होंगे, कुछ आइडिया? आदित्य ने कहा था कि वो कार वाले अंकल उसे एक मोबाइल देंगे जिसके अंदर वो स्नाइपर जी गेम खेलेगा। स्नाइपर जी? सर आदित्य इस ऐप पर गेम खेलता था। आदित्य के टीममेट्स की लिस्ट में एक नाम चंदू है, और चंदू उन चारों में से एक का नाम है। इस ऐप के सोर्स का पता करो और पता लगाओ वो जो फोन इस्तेमाल करता था उसका IMEI नंबर क्या है और वो कौन सा सिम इस्तेमाल करता था। यस सर। सर मेरा असली नाम अनवर है, रॉयल रोमियो चंदू तो मैंने सिर्फ उस गेम के लिए अपना नाम रखा था। तो आदित्य की टीममेट्स में से एक है ना? जी सर, लेकिन मैं कभी आदित्य से मिला नहीं हूँ। लेकिन तेरे बाकी तीन साथी देव, चुन्नी और पार्थ, उनसे तो मिला ना? कौन है वो और कहाँ है? आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी पता चल जाए। सुमित जरा इसको पता लगाओ और अच्छे से। सर, 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 इसके एक एक दोस्त को उठाओ
मुझे सबसे पूछताछ करनी, और पता करो इसके जानने वालों में से सिल्वर रंग की कार किसके पास है। पुलिस ने आनंद फानंद में 30 से ज्यादा लोगों को उठा लिया था और अब उनको इंतजार था सुजैन के होश में आने का। ये आई एम पार्थो, ये भी तांसरा, निलोत्तम घोष उर्फ देव, तनवर खान उर्फ चंदू और इम्तियाज खान उर्फ पार्थ। बचा कौन? चुन्नी बाबू। वो कहाँ और उसका असली नाम क्या है? लेकत अली। कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं सर, वो पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। हम भी प्लान बना रहे थे, भागने का प्लान बना रहे थे। हाँ, अब ये बोलो, तुम लोगों ने लड़की को ये नकली नाम क्यों बताया? बोलो। सर, हम सारी लड़कियों को अपना यही नाम बताते। सारी मतलब? इससे पहले भी तुम लोगों ने रेप किए? वो सारी सब प्रोस्टिट्यूट्स थी। सर, मैं सुजैन से भी देव बन के ही मिला था, उसको देखते ही नीयत डोल गई थी मेरी। Excuse me, ये आपका इयररिंग गिर गया था। Oh, thank you so much. By the way, I'm Dev. आपका नाम जान सकता हूँ? Suzanne. जल्दी करो बे, एकदम ढूंढा है मैंने। Hello, Suzanne. It's me, Dev. आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? आदित्य, उसे क्यों मारा? सर, वो स्नाइपर जी गेम खेलते वक्त हम सारे टीममेट्स बन गए। हमने आदित्य को बहका कर अपने अड्डे पे ले गए। हमने थोड़ी सी पी ली थी सर, इसलिए हम उस बच्चे के साथ मजा करने लगे। सर, अगर उसे जिंदा छोड़ देते तो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देता। ये कह के खा लो जरा सालों। इस केस की दुखद विडंबना यह थी कि तीन गुनहगारों के पकड़े जाने के महज 2 दिन के बाद ही सुजैन ने अपना दम तोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद चौथा गुनहगार लियाकत अली उर्फ चुन्नी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सुजैन एक सशक्त महिला थी, एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। उसकी आवाज की खनक की लुत्फ एक समय पूरा देश उठाता था, लेकिन जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखने की कवायद में उसकी जान निकल गई। हिंदुस्तान की रेप केसेस के इतिहास में सुजैन पहली ऐसी पीड़िता थी जो रेप के शर्म के पीछे अपना नाम और पहचान छुपाने की जगह खुलकर कैमरा के सामने आई। एक निरपराध समाज और एक स्वस्थ सिस्टम एक ऐसा आशावाद है जिस पर हमारा भरोसा अक्सर डगमगाने लगता है, लेकिन हमें यह सब्र और हौसला कायम रखना होगा कि सच के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। सुजैन में यह जज्बा था, लेकिन उसकी 5 दिन की चुप्पी एक लंबे वक्त का इंतजार बन गई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.